MCQ number five from the topic addition of vectors, the sum of two perpendicular forces eight newton and six newton is. Actually आप इसको एक डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं. Suppose कीजिए ये eight newton force है and this is actually six newton. Both are acting at right angle. You can see. अब इनका जो resultant vector आएगा, of course इसकी length इस triangle का hypotenuse बन रहा है. और हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं के रूट में बेस का स्क्वायर करेंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे सो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 64 प्लस 36 आंसर इज अंडर रूट 100 विच इज 10 सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा 10 यानी जब भी आपको दो फोर्सेस दो वेलोसिटीज दो मोमेंटा या कोई भी दो वैक्टर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़े हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सिंपल ये थ्योरम अप्लाई करेंगे स्केयर रूट के अंदर दोनों वेक्टर्स का स्केयर ऐड कर देंगे जो आंसर आएगा वो उन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स और यही बात डियर स्टूडेंट्स हमने पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन में भी पढ़ी थी जिसमें दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल थीटा हो तो उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला होता है अंडरवुड ए स्क्वे प्लस बी प्लस टू ए बी कॉस थीटा अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं इट मीन्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है तो अगर आप इस पैरालेलोग्राम ऑफ वेक्टर्स एडिशन में थीटा 90 पुट करेंगे आप जानते हैं कॉज 90 डिग्री डियर स्टूडेंट जीरो होता है सो so, आपके पास ये वही फॉर्मूला बन गया जो मैंने आपको पहले थ्योरम से बताया है सो so, अगर आपको ये एक फार्मूला आता है दो वैक्टर्स को एड करने के लिए तो अब आप दो वैक्टर्स के दरमियान कोई भी एंगल गिवन हो आप इस फार्मूला को यूज करते हुए दो वैक्टर्स का सम निकाल सकते हैं यानी दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं